मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विद द न्यू चैप्टर दैट इज डेटा हैंडलिंग. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेल यू फ्यू बेसिक थिंग्स अबाउट इट. ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि इस डेटा हैंडलिंग या ये जो चैप्टर है विच कम्स अंडर स्टैटिस्टिक्स, इसकी ज़रूरत ही क्यों होती है, व्हाई डू वी यूज़ दिस. सो हम लोग जनरली इसको यूज़ करते हैं फॉर सर्वेज. ठीक है, सर्वेज करने के लिए और किसी टाइप के इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए. ठीक है, और उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है. ठीक है, यू माइट हैव अंडरगॉन मैनी सर्वेज और देखा भी होगा कई सर्वेज को या उनके बारे में जानते होंगे. ठीक है, तो अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज़ द प्रोसेस. ओके, और यू माइट हैव स्टडीड अबाउट इट अर्लियर इन क्लास 7th और 6th में भी. ठीक है, बट आई विल बी टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी बेसिक वन. ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विद डेटा. व्हाट इज डेटा? सो इंफॉर्मेशन ऑन सम बेसिस. अब डेटा क्या होता है? जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाती है ऑन सम बेसिस का मतलब किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंडर होता है कि किसी का वेट हमें कलेक्ट करने हैं, वेट्स ऑफ पीपल कलेक्ट करने हैं, सर्वे करना है कि लोगों का वेट कितना है, एज कितनी है, या हाउ मैनी मार्क्स द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर गेटिंग. इस बेसिस पे जो हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा. मतलब कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेटा, और द इन्फॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड इज नोन एज द डेटा. देन रॉ डेटा. अब ये रॉ डेटा क्या होता है? डेटा इन द ओरिजिनल फॉर्म. अब डेटा इन द ओरिजिनल फॉर्म का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि जस्ट नोट डाउन द वेट्स ऑफ द क्लासेस, रैंडमली आस्क फ्रॉम एनी एवरी वन, एक लाइन से आप स्टार्ट करोगे, सबका वेट नोट करते चले जाओगे. ठीक है, किसी का ज़्यादा आएगा, किसी का कम आएगा, बस ओरिजिनल मैप ने कलेक्ट कर लिया, उसके बारे में सोचा नहीं कि कैसे क्या करना है, अरेंज करना है, क्या करना है. ठीक है, सो डायरेक्टली जो डेटा आ रहा है अरेंज फॉर्म में नहीं है, क्या है, कैसा भी है, डायरेक्टली आप कलेक्ट करते वक्त ही जो डेटा हमें मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रॉ डेटा. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द डेटा इन द ओरिजिनल फॉर्म. ठीक है, जैसे आपने लिया वैसे अरेंज करने का काम हमारा बाद का है. ठीक है, एंड दैट इज़ द सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या ये? अरेंज्ड और एरेड डेटा. अब अरेंज्ड या एरेड डेटा क्या होता है? प्रोसेस्ड डेटा. ठीक है, प्रोसेस्ड डेटा जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरेड डेटा. प्रोसेस्ड डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. मतलब जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया था, द रॉ डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने कलेक्ट करी थी, व्हेन वी अरेंज इट, जब हम उसे अरेंज कर देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन इट बिकम्स अरेड डेटा और अरेंज्ड डेटा. वी यूज दिस वर्ड्स. ठीक है, गॉट इट? अरेंज्ड यूज कर सकते हैं या अरेड डेटा यूज कर सकते हैं. ठीक, जब उसको अरेंज कर दें, चाहे असेंडिंग में करें चाहे डिसेंडिंग में करें, इट डज नॉट मैटर, बट इट शुड बी अरेंज्ड. ओके, क्लियर? देन व्हाट इज रेंज? डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ डेटा. इसका मतलब ये है कि जब आप कोई डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो बहुत सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हाइएस्ट वैल्यू होगी. ठीक है, उनका जो डिफरेंस आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं वापस. इफ़ यू हैव बीन कलेक्टिंग द वेट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लासेज, तो जो जिसका सबसे ज़्यादा वेट है, जो सबसे ज़्यादा वेट आया और जो सबसे कम वेट आया, उसका जो डिफरेंस होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ द गिवन डेटा. ठीक, जो भी रेंज है उसको, जो भी डेटा है उसमें जो हाईएस्ट और लोवेस्ट का डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज द रेंज ऑफ द गिवन डेटा. ओके, देन नेक्स्ट वन, फ्रीक्वेंसी. द नंबर ऑफ अपीयरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा और अ रेंज ऑफ डेटा. कोई पर्टिकुलर डेटा कितनी बार आ रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट डेटा, और इट कैन ऑल्सो बी अ रेंज ऑफ डेटा. ठीक है, रेंज ऑफ डेटा में वन विल सॉल्व क्वेश्चन एंड आई विल बी टेलिंग यू, विल बी नोइंग वॉट डू आई मीन बाय द रेंज ऑफ डेटा. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपकी क्लास में कितने बच्चों का वेट 30-40 के बीच में लाया करता, तो इट बिकम्स अ रेंज कि 30 से लेके 40 तक वाले सारे बच्चे. और अगर मैं कहूँ एग्जैक्टली 40 kg कितने बच्चों का वेट है, सो इट बिकम्स अ पर्टिकुलर डेटा. सो पर्टिकुलर डेटा भी हो सकता है या रेंज ऑफ डेटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन और डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड. ठीक है, क्लियर? नाउ
लेट अस टेक सम एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कलेक्टेड डेटा जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि द चैप्टर वी आर स्टडिंग इट बेसिकली डील्स विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड कैलकुलेटिंग फ्यू मोर थिंग्स फ्रॉम दिस डेटा। ओके, उस डेटा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लोगों को सामने रखेंगे ताकि पीपल शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, मार्क्स ऑब्टेंड बाय 15 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 5, मान लेते हैं कोई 5 मार्क्स का टेस्ट हुआ है 15 बच्चों का, ठीक है, और उनके मार्क्स हम लोगों ने नोट कर लिया ऐसे रैंडमली। सो यू कैन सी द मार्क्स आर 3, 1, 3, 2, 4, 0, 5, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 5। अब जरा इसको ध्यान से देखें तो दिस इज नोन एज द रॉ डेटा, क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में बस बच्चों से मार्क्स पूछा आप लिखते चले गए, दिस इज नोन एज रॉ डेटा, ओरिजिनल फॉर्म, डेटा इन द ओरिजिनल फॉर्म, अरेंज नहीं है। अब हमारा जो सबसे पहला स्टेप होता है वेन एवर वी आर रिप्रेजेंटिंग समथिंग और सॉल्विंग समथिंग इन डेटा हैंडलिंग और स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहला काम हमारा होता है वी हैव टू अरेंज देम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। नाउ सी ऑन अरेंजिंग व्हाट वी गेट 0, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, ठीक है, वी गेट दिस ऑन अरेंजिंग। अब ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाई जाती है, अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें बेसिकली 3 columns विल बी देयर, ठीक है। द फर्स्ट कॉलम डील्स विद द क्वांटिटी ऑन विच वी आर सर्वेइंग, जिस पे भी सर्वे हो रहा है या जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दिस इज योर मार्क्स, फिर टैली मार्क्स का कॉलम होगा एंड द थर्ड वन इज योर फ्रीक्वेंसी कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का जो डेटा है, जो मेन डेटा है जिस पे हम लोग सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्या है, जीरो कितनी बार आया, एक बार, सो टैली मार्क्स में 1 और फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 1, ठीक है, दिस इज टैली मार्क्स सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। फिर 1 कितनी बार आया है, नाउ सी यहाँ 1 ले लिया, हाउ मेनी टाइम्स, 2 times, देखिए टैली मार्क्स में ऐसे दो बार्स बना देंगे, ठीक है, 2 bars बना दिए एंड हाउ मेनी टाइम्स, 2, फ्रीक्वेंसी लिख दी 2। देन कम टू 2 कितनी बार आया है, 1, 2, 3, ठीक है, सो 1, 2, 3 एंड आफ्टर दिस फ्रीक्वेंसी विल राइट 3। फिर 3 पे आ जाइए, 3 कितनी बार आया, यू कैन सी फ्रॉम योर 1, 2, 3, 3 बार आया है, टैली मार्क्स मेंशन करिए 1, 2, 3, फिर इसको भी यहाँ लिख लिया। सिमिलरली इफ यू सी 4 इट ऑल्सो अपीयर्स 3 times, सब कुछ सेम, 5 ऑल्सो अपीयर्स 3 times। अब जरा ध्यान से देखिए इस रिप्रेजेंटेशन का फ़ायदा क्या हुआ, अगर डेटा इस फॉर्म में होता तो हम लोग को इसमें एनालाइज करने में प्रॉब्लम होती, कितने लोगों को कितने मार्क्स मिले, कैसे मार्क्स मिले। सो यू कैन सी कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव गॉट 2, 3, 4, and 5 marks, ठीक है, 15 बच्चों में हमें पता चल गया कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं। देखिए एक बच्चा ऐसा है जिसके 0 marks आए हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जिनके 1 marks आए हैं, 3 students आर देयर हु हैव गॉट 2 marks, 3 students हैव गॉट 3 marks, 3 students हैव गॉट 4 marks एंड 3 students हैव गॉट 5 marks। ये सारा डेटा पूरी क्लास का हमारे सामने है, ये मैंने सिर्फ 15 बच्चों पे सर्वे किया है, ठीक है, या टेबल बनाई है 15 बच्चों के लिए। ऐसे अगर ढेर सारे बच्चे होते हैं तो उसको भी ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, गॉट इट। और जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग तो विल बी इजीली एबल टू नो कि कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए, वेरिएशन मार्क्स में वेरिएशन कितने हैं, और इसके अकॉर्डिंग इजीली हम लोग ये भी जज कर सकते हैं व्हाट इज़ द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस कैसा है। अगर मान लेते हैं कि बच्चों के 3, 4, या 5 marks ज़्यादा हैं, ठीक है, तो मतलब द परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड, ठीक। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के 0, 1, 2 marks आए हैं तो मतलब परफॉर्मेंस इज़ लो, क्योंकि 3, 4, 5 देर गुड मार्क्स, ठीक। सो इसके बेसिस पे वी कैन जज द परफॉर्मेंस। इसीलिए आपका ये जो डेटा हैंडलिंग होता है इट इज़ वेरी यूजफुल इन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मतलब आपको सारी वैल्यूज नहीं देखनी। अभी तो मैंने सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का यूज़ किया, फर्दर विल बी स्टडिंग अबाउट बार ग्राफ्स एंड वॉट बार ग्राफ्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है,
और इन सब में हिस्टोग्राम्स, ठीक है, इन सब में आप इजीली, आप तो उसमें इन दैट यू कैन इजीली सी द फिगर एंड जस्ट एनालाइज, ठीक है, द सर्वे, सिर्फ फिगर देख, यहाँ पे तो आपको वैल्यूज देखनी पड़नी, एक बार रीड करनी पड़नी, बट विल मूव टू दैट, आप ग्राफ को देख के, उस फिगर को देख के तुरंत बता सकते हैं क्या बेहतर है, इम्प्रूवमेंट है, क्या है, एवरीथिंग, ठीक है, क्लियर। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। नाउ सी, इफ यू कम टू द सेकंड एग्जांपल, नाउ आई हैव डन अ सर्वे और अ काइंड ऑफ सर्वे ऑन वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आई हैव टेकन फ्यू स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है, वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, तो इफ यू स्टार्ट नोटिंग रैंडमली, आई हैव टेकन द वैल्यूज 35, 40, 35, 36, 42, 45, 41, 45, 43, 39, 40, 40, 45, 45, 40, 36, 38, 40, 41, 38, 43, 45, 49, 45, 48, 49, 50, 48, 49. Clear? These are the values that we have taken. Now, I have already told you this is the data in the raw form. Okay. So, this is the data in the raw form. और जब raw form में data होता है तो what is the first thing we need to do? We need to arrange this. अब इसको arrange करना start के तो सबसे पहले देखिए what we need to find. सबसे पहले हमें ढूंढना होता है सबसे छोटी वैल्यू कहाँ है। अगर सबसे छोटी वैल्यू आप ढूंढ लोगे और सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढ लोगे, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है 35 एंड सबसे बड़ी वैल्यू है 50। तो यहाँ से अगर अरेंज करना स्टार्ट करें, सो व्हाट वी गेट, 35, 35, 36, 36, 38, 38, 39, 40, 40, 40, 40, 40, 41, 41, then 42, 43, 43, 45, 45, 45, 45, 45 and 45, then 48, 48, 49, 49, 49, 50. अब हमें क्या करना है, we have to represent this using the table, frequency distribution table, ठीक है, okay, again the same thing, यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, weight, यहाँ पर हमारे tally marks, over here the frequency, अब start करते हैं, जो पहली हमारा weight है वो कितना है, इट इज़ 35, अब 35 लिख लिया यहाँ पे, टैली मार्क्स में कितने हो गए, 2, 1, 2, कितना है, यू हैव नोटेड द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, देन कम टू 36, ओके, 36, 36 कितनी बार है, 2 बार, देन 36, टैली मार्क्स 2, फ्रीक्वेंसी 2, फिर 36 के बाद 38, देखिए 37 मिसिंग है तो हम लोग लिखेंगे भी नहीं, 38 कितनी बार है, 2 बार, 38 टू टाइम्स 2, आफ्टर दिस 39 हाउ मेनी टाइम्स, 1, ये हो गया 39, एक बार फ्रीक्वेंसी लिख ली, एक बार, देन 1, 2, 3, 4, 5, फ्रीक्वेंसी कितनी, 40 कितनी बार है, 5 टाइम्स, देखिए यहाँ 40 लिखा, अब ये फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स कैसे लिखते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ वाला कट कर दिया, ठीक है, 1, 2, 3, 4 और फिफ्थ ऐसे कट करते हैं, प्लीज़ रिमेंबर दिस, ठीक है, देन 41 हाउ मेनी टाइम्स, 41 इज 2 टाइम्स, ओके, देन आफ्टर दैट 41 व्हाट इज देयर, 42 हाउ मेनी टाइम्स, 42 इज ओनली वंस, तो एक बार लिख दिया, देन लेट अस कम टू 43, 43 कितनी बार है, इट इज 1, 2, 2, 3, 2 टाइम्स, 43 अगेन 2 एंड 2, नाउ कम टू 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स है, तो 45 पे यू कैन सी 1, 2, 3, 4, ये रहा आपका 5, और फिर 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 अगर मान लेते 10 होता तो 7, 8, 9, 10 अगेन, अगर ऐसा होता तो, ठीक है, बट यहाँ पर 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, प्लीज़ रिमेंबर 5 ऐसे होता है, इसमें कट किया जाता है,
एंड देन अगेन वी स्टार्ट विद 6, ओके 6, 7, 8 ऐसे बढ़ सकता है, क्लियर। देन 48 हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू टाइम्स, तो 1, 2 एंड 2 ओवर हियर, 49, 1, 2, 3, 3 टाइम्स 49, तो 49, 1, 2, 3, 3 टाइम्स, 50 हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव, 50 वी हैव 1 टाइम, ओके। नाउ वन थिंग मोर, अगर यहाँ पर हम लोग सम करके देखें, इफ यू फाइंड द सम ओवर हियर, यू कैन फाइंड द सम, 2, 4, 6, 7, 12 हो गया, 12 प्लस 2, 14, 15, 17, 23, 25, 28, 29, total how many? 29, यहाँ से हम लोग इसलिए भी पता कर सकते हैं कि हम लोग का जो सर्विस है सही है या नहीं, हाउ, बाय काउंटिंग दिस, आप इसको काउंट कर लीजिएगा, इफ इट इज हाउ मेनी 29, दैट मीन्स आपका जो टोटल आ रहा है दैट इज करेक्ट, और यहाँ पर आप प्लीज इसको मेंशन कर दिया करिए, कीज आपने जो वैल्यूज ली हैं वो किस यूनिट में ली हैं, क्या लिया है, इट इज़ नेसेसरी टू मेंशन ऑल दैट ऑल्सो, ठीक है, यू कैन सी इजीली, ओके, इज इट क्लियर, सो दिस इज इट फॉर टुडे, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है, जस्ट सी द वीडियो प्रॉपरली एंड लर्न हाउ टू मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ट्राई फ्यू क्वेश्चंस ऑन योर ओन, एंड देन विल बी डिस्कसिंग अबाउट बार ग्राफ्स इन द नेक्स्ट क्लास, ओके, थैंक यू क्लास।